तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू, मैं हूँ आपका अपना राजबार। आज हम दिखाएंगे आपको R15 और R15 और साथ में दो MT। मतलब आज है यामाहा डे, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दिन है हमारा सैटरडे का। शुरुआत करते हैं इधर MT से, देख सकते हैं इधर MT आपकी हो रही है। क्रैश गार्ड लग चुका है इसमें, टेल लाइट लग रही है, इंडिकेटर लगने बाकी हैं, और भी इसमें एक दो मॉडिफिकेशन छोटी छोटी वो भी आपको दिखाएंगे। लीवर लग चुके हैं फोल्डिंग वाले, और इधर देख सकते हैं एक और MT। ये बहुत पुराने कस्टमर है हमारे, जो शुरू से काम कराते हो। तो भैया आप कब से काम करा रहे हैं हमसे? करीब डेढ़ दो साल हो गए काम कराते। ये इन्होंने हमारी छोटी जो शॉप थी ना, वहाँ पे 51 नंबर गली वाली, तो ये वहाँ से काम कराया भैया ने स्टार्टिंग से ही, और आज भी हमारे पास कोई भी काम होता तो हमारे पास। भैया आपको कैसा लगता है हमारे पास काम कराते हुए? कहीं जाती नहीं बाहर बाइक, यहीं आती है हमेशा। यहीं जाती है, कोई छोटा सा भी चेंज करना, रिंग लाइट भी लगनी हो तो यहीं आती है, जनकपुरी से करोलबाग। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो कस्टमर का ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट ऐसा है कि जो भी काम कराना सीधा आता है हमारे पास। और उधर एक और एक्सट्रीम आ चुके, देख सकते हैं इसमें भी काम होगा अभी स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं इधर आपको दिखाऊंगा एक और R15। इसके अंदर देख सकते हैं पीछे टेल हटा दी गई, पूरी इंडिकेटर लगा दी गए इसके अंदर कैंडी वाले, और साथ में इधर फॉग लैंप वगैरह लगी हुई है इसके अंदर जो कि लगा रहे हैं। इधर आपको देखने मिलेगा इसके अंदर वाइजर, टेल लाइट और फॉग लैंप नीचे फिट है, देख सकते हैं आप। रोशनी इसकी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। और इसके बाद इधर भी एक R15 है, देख सकते हो इसमें भी क्रैश गार्ड वगैरह और छोटे मोटे काम इसके अंदर होने हैं। इधर R15 है, इसका भी काम हो चुका है। और इधर है हमारी एवेंजर, और आपकी जो मेन है वो मैं वीडियो कवर करूँगा इसमें, ये वाली जो कि आपको मिलती है R15 ग्रे कलर की, देख लो इसका लुक करेंगे पूरा ऑल ओवर चेंज। तो यामाहा का डे है आज, यामाहा आपके सामने दिखाएंगे। यामाहा वालों स्पॉन्सर कर दो हमें। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था कि जो रैपिंग है ये वाली होने वाली थी इसके अंदर, तो देख सकते हैं आप ये स्टार्ट हो चुका है इधर। अब देख लो लुक क्या जबरदस्त सारे से निकलने, और जो 3D पैक था ना उसे पूरा आएगा। बैक साइड में काम चल रहा है देखिए, और फ्रंट में भी आपका काम अंडर प्रोसेसिंग है। और इधर जो मैंने आपको दिखाया था ये वाली 70 वाली, ये ऑलमोस्ट इधर लग चुका। तो देखो इसका जो पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, हम जो पार्ट रखेंगे इसका, ये वाला 70 वाला आपका एक तो फ्रंट ये हो गया, एक इसका जो पूरा मरगाड़ ओपन कर चुके देख सकते हैं आप, ये निकल चुका है, ये मरगाड़ हो गया इसका। और जो टैंक का सेंटर पार्ट होता है ना, ये वाला, ये सेंटर पार्ट, ये पूरा हम लेंगे इसी का 70 वाला। बाकी जो पार्ट होगा आपका सेम होगा आपका ये वाला, जो कि आपको मिलते हैं रैपिंग 3D इफेक्ट वाली। इसमें 3D इफेक्ट इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे जैसे गाड़ी मुड़ेगी, धूप में अलग, छाँव में अलग, रोशनी में अलग, इसके मल्टीपल इफेक्ट इसके अंदर आने वाले हैं, जो कि आपको देखने में, जैसे कि अभी आपको देखने मिल रहा होगा वीडियो में भी। देखिए इधर दिख रहा है पर्पल सेंटर में, साइड में देखोगे तो आपको दिख रहा है येलो, और इधर दिख रहा है आपका नॉर्मल वाटर कलर। तो ये यही इफेक्ट है इसके जो आपको देखने में मिलेंगे गाड़ी के अंदर ही। तो ये जिनकी गाड़ी है एक बार उनसे भी रूबरू कराए थे फिलहाल, कि उनको अभी तक का कैसा लग रहा है, अभी तक आपका कैसा स्टार्टअप कैसा रहा है गाड़ी का? अभी काफ़ी अच्छा रहा है स्टार्टअप, काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। जैसे हम पूरे मार्केट में हम घूम चुके हैं, यहाँ पे प्राइस भी काफ़ी अच्छे दिए हैं भैया ने। अच्छा अच्छा, और बाइक का काम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है अभी तक। चलो ऑल ओवर आए कहाँ से आप? मैं बड़ौद से आया हूँ, बड़ौद यूपी से। तो बड़ौद बागपत से आए हैं भैया, अपना ट्रस्ट हम पर दिखाते हो पूरी तरीके से, और आप देख सकते हो ये बागपत बड़ौद से आए हैं। लास्ट टाइम मैंने दिखाया था आपको अजमेर से आए थे, और राजस्थान से बहुत से लोग आते रहते हैं, पंजाब से आते रहते हैं, तो यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, या फिर हमारा हो गया राजस्थान। और जल्दी पुणे वाले भैया भी आने वाले हैं, मैंने आपको बताया था वीडियो में, वो भी शायद नेक्स्ट वीक आएंगे वहाँ से अपनी हिमालयन लेकर। तो ये ध्यान रखिए कि इतना ट्रस्ट जो आप लोग दिखाते हो ना, हम आपके ट्रस्ट पर खरा उतरने की कोशिश पूरी करते हैं। मैं कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आप लोग बोलेंगे ना, मतलब हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा आने के बाद, काम कराने के बाद आपको ट्रस्ट तभी दिन मिलेगा जब आप आकर विजिट करेंगे। तो देखते रहिए इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, और जब पूरी कंप्लीट होगी मैं आपको दिखाता हूँ। और भी इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं टेल टेडी है इसके अंदर, मैग्नेट टेल टेडी लग रही है, शार्फिन मरगाड़ लग रहा है, एग्जॉस्ट इसके अंदर लगना है, और भी इसके अंदर बहुत सारे काम है जो कि मैं आपको धीरे धीरे रूबरू करा रहा हूँ क्या क्या इसके अंदर चल रहा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं गाड़ी तो ऑल ओवर रेडी हो चुकी है, अब लास्ट में रह गया इसके एग्जॉस्ट, टाइम काफ़ी लग गया और वीडियो में पूरा ले नहीं पाया कि और भी काम था इसलिए। और अब दिखाता हूँ आपको इसके अंदर एग्जॉस्ट की साउंड, कि इसमें फाइनली एग्जॉस्ट कौन कौन से इसमें सुनाए जाएंगे आपको, जिसके आपको पसंद हो मुझे बताना, और इसके अंदर जो लग रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये बैंड पाइप इसका इंस्टॉल हो चुका है, देख सकते हैं आप फुल सिस्टम बैंड पाइप है इसके अंदर लगा हुआ है। और अब सुनाता हूँ आपको एग्जॉस्ट की साउंड, ये देख सकते हैं एग्जॉस्ट की रेंज जो निकाल रखी है,
और फाइनली जो पसंद होगा एंड में वो बताएंगे। पहले इनकी साउंड सुना किसकी अच्छी है किसकी नहीं। रेंज तो बहुत है वैसे देख सकते हैं, रेंज की कमी नहीं है, बट फिर भी ये सिलेक्टेड है कुछ जो निकाले गए हैं। सुनाओ जी, स्टार्ट करो। तो ये आपका एक्रापोविक बेसिक विद डिपिकलर सुनाएंगे साउंड इसकी, क्योंकि डिपिकलर निकालने में टाइम लगेगा, टाइम ज़्यादा होगा तो हम निकालेंगे। अच्छी साउंड है इसकी। और अब दिखाते हैं नेक्स्ट जो कि मिलता है आपको एक्रापोविक, ये हो गया न्यू वाला। इसकी भी सुनते हैं साउंड कैसी आती है। काफी क्लियर साउंड है इसकी भाई। और अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सुनाते हैं आपको ये जो एक्रापोविक है, वैसे यशुमुरा का है बट एक्रापोविक की ब्रांडिंग हुई है इसके अंदर। इसकी सुनाते हैं आपको साउंड। इसे वैसे इसका जो रियल नाम है अल्फा। इसकी भी अच्छी है। अब सुनाते हैं आपको इधर जो आपको देख रहे हो टाइटेनियम वाला, इसकी साउंड सुना कैसी आती है। साउंड तो ऑल ओवर सबकी ठीक है। अब सुनाते हैं आपको एक और, पहले सिक्स कट सुना, सिक्स कट इसकी भी साउंड काफी अच्छी आती है। इसकी सुनाते हैं साउंड आपको। ऑल ओवर इसकी भी अच्छी है वैसे तो। अब एक और सुनाते हैं आपको जो कि है R1M का, ये देखिए ये वाला निकलते हैं इसके अंदर, इसकी सुनाते हैं साउंड। साउंड इसकी बहुत अच्छी है वैसे तो। ज़्यादातर जो लगते हैं ना इसके अंदर साउंड जो आती है वो इसकी R1M की और R9, इनकी ज़्यादा अच्छी आती है। बाकी देखते हैं क्या पसंद करते हैं भैया। और अब सुनाते हैं आपको R9 की साउंड इसकी कैसी है इसके अंदर। थोड़े से कंफ्यूज है। अब पहले इनको करते हैं फाइनल इनका, और कौन सा पसंद करते हैं फिर इसके अंदर पैक करते हैं, फिर आपको सुनाते हैं एंड में साउंड, और पूरी वीडियो भी आपको तभी दिखाएंगे जब ये पसंद कर लेंगे उसके बाद। तो चलो बने रहना, लाइक से शेयर से बने रहना। राजू भाई SKD का जिसका प्ले बटन आपको दिख रहा हो यहाँ पर, ये है अपना राजू भाई SKD का। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इसके अंदर स्टार्टिंग में बहुत सारा काम इसके अंदर और भी ज़्यादा लोड हो चुकी है गाड़ी। पहले मैंने कुछ ही आइटम दिखाई थी और मेन मैंने फोकस करा था आपका रैपिंग पर, जो कि रैपिंग करी गई बहुत ही डिसेंट वाली और शायद इंडिया फर्स्ट ही होगी इतनी अच्छी लुकिंग वाली R15 V4। और ये थी आपकी ग्रे कलर की, कलर आप देख सकते हो मल्टीपल कलर है इसमें। मैं खुद जज नहीं कर पाऊँ तो आप क्या जज करोगे कि कौन सा कलर है गाड़ी अभी। तो पहले ना इसके अंदर रैपिंग ही देख लो आप, फ्रंट से लुक देख लो इसकी। जो ये बबल वाइज़र है ये इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया डबल बबल वाइज़र, और इस पर कर दी गई आपकी 7D वाली प्रॉपर रैपिंग। 7D रैपिंग इसलिए क्योंकि पता भी नहीं होती कि करी गई है, डिपिंग है, पार्ट चेंज किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो लुक, ये आपकी फ्रंट की लुक हो गई, साइड में आपका कलर चेंजिंग वाला होगा जो कि मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर साइड में किया गया है। जितना भी डबल कॉन्सेप्ट लिया गया है इसके डबल के अंदर, जैसे कि इधर हो गया आपका कार्बन बीच का सेंटर का, ये कार्बन हो गया, ये आपका कार्बन हो गया टैंक का बीच का मिडल पार्ट, और आपका हो गया पीछे की पूछ, पूछ इसलिए कहते हैं ये टेल के ऊपर की पूछ है, तो इसको भी कर दिया गया आपका 7D रैपिंग। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर ये है आपकी रेनबो वाली रैपिंग, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इधर तरफ से कलर अलग अलग नज़र आएगा इधर इधर, और साइड में आ जाइए आप, ये देखिए साइड में आपको देखने मिलेगा पूरी तरीके से कलर चेंजिंग वाला टैंक आपको मिलेगा कलर चेंजिंग वाला, और साइड में जो विंग्स लगाए ना आप, विंग्स के ऊपर भी सेम वही कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये आपका हो गया 7D, इधर आपका हो गया वही रेनबो वाली शीट जो देख सकते हो इधर हो गया, बैक साइड में देख लो आप पूरी की पूरी लुकिंग हो गई चेंज गाड़ी की। ये देखो लुक चेकआउट कर लो क्या ज़बरदस्त आ रही है। ऐसी गाड़ी अगर करानी हो ना किसी को तो वैसे भूलना मत आप अपने भाई को। तो ये मैंने आपको सारी लुक चेकआउट करा दी इसकी रैपिंग की जो किसके अंदर की गई है। जब भी किसी को काम कराना है ये तो ध्यान रखें टाइम लेकर है, कोई ऐसे कामों में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रैपिंग के अंदर फुल लोड गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा समझता है। और ये है दुनिया की मोस्ट लोडेड
यामा R15। और अब दिखाता हूँ आपको, फ्रंट से स्टार्ट करता हूँ इसके अंदर क्या क्या लगाया गया है दोबारा से। जैसे कि देख सकते हो, ये हो गया डबल रोल वाइजर जो मैंने बताया आपको, इसमें 70 रैपिंग कर दी गई है। साथ में आपको मिलते हैं इधर देख सकते हैं, ये आपके H2R के मिरर जो आप देख सकते हैं इसके अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के लगा दिए गए इसके अंदर। और ये आपके करते हैं पूरी गाड़ी से मैच, जैसे कि आपको देखने मिलेगा 70 वाली कार्बन ये वाली रैपिंग, उसी तरीके से कार्बन आपको मिलता है पूरे मिरर, जो कि लुक बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है इसे लगने के बाद। इतनी लुक इन्हेंस हो जाती है कि सामने वाला बंदा ना गाड़ी को जज नहीं कर सकता कौन सी बाइक आपकी निकल के जा रही है, या हम R15 जा रही है या फिर कोई निंजा की कोई बाइक निकल के जा रही है। लुक चेकआउट कर लो फ्रंट से दोबारा से, और बैक से भी देख लो पीछे से कि किस तरीके से बैक की लुक आती है इसकी। ये मिरर से देख सकते हैं आप, और इसे जैसे मर्जी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो आप जाना चाहो। और इसमें देखो लुकिंग में ना पूरी पूरी नज़र आती है, ये मिरर जरूर छोटा सा है पर इसमें पूरा व्यू पीछे का नज़र आता है। जहाँ आपने सेट करना है वहाँ आप सेट कर लो अपने अकॉर्डिंगली, और सेम आपको इस तरफ मिलता है, सेम इस तरफ दोनों तरफ देख सकते हैं। लुक काफ़ी ज़बरदस्त हो गई है इसके लगने के बाद, काफ़ी बल्की हो गई है इसे लगने के बाद। और इधर आप देख सकते हैं, ये है इसकी विंगलेट जो कि लगा दी गई ब्लैक कलर की इसके अंदर। और इसके बाद साथ में आप देख सकते हैं, ये है इसकी आईज हैजार्ड। तो ये है इसका आईज हैजार्ड, ये जितनी बार पैटर्न चेंज हो उतनी बार ऑटोमेटिक से हो जाएंगे पैटर्न चेंज। ये देखिए अलग अलग पैटर्न है इसके अंदर, अलग अलग पैटर्न्स मिलेंगे, अलग अलग डिज़ाइन मिलेंगे इसके अंदर। जो भी एक्टिवेट करना है वो आप एक्टिवेट करके छोड़ सकते हो इसके अंदर। और उसके बाद आपको नीचे दिखाता हूँ, तो नीचे देखने मिलेगा आपको फॉक्स लैडर, जिससे आपके शॉकर होते हैं इससे पूरी तरीके से लुक भी काफ़ी ज़्यादा नाइस हो जाती है इसे लगने के बाद। ये देख लो इधर भी सेम आपको मिलता है इधर ही, और जो फ्रंट की लुक मैंने आपको दिखाई थी 70 की प्लस आपकी रैपिंग की, सेम आपको इधर मिलेगी। देखो मरगाड़ में भी सेम ही हो गया, इधर आपकी रैपिंग आपकी रेनबो वाली इधर आपको मिलती है पूरी ही की पूरी 70 वाली रैपिंग जो कि कार्बन फिनिश की मिल जाती है इसके अंदर। और उसके बाद आपको दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं, ये है इसके विंग्स, ये है इसके विंग्स जो कि लगा दिए गए हैं इसके अंदर, बहुत ही हैवी क्वालिटी के, जो कि यामा की R15 के मॉडल के अंदर आपके लग जाता है इजीली। और ये जरूरी नहीं R15 जितनी भी फेयरिंग वाली बाइक्स हैं आप ये किसी के अंदर भी इजीली इंस्टॉल करा सकते हो, क्योंकि ये इससे लुक होती है काफ़ी इन्हेंस। देख सकते हो क्या ज़बरदस्त आ रही है, ऐसा लगेगा जैसे सामने से निंजा H2 निकल के जा रही हो। एक तो H2R वाले मिरर हो गए, साथ में विंग्स हो गए आपके, ये भी H2 टाइप होते हैं इसके अंदर। देख सकते हो आप कलर इसमें कोई भी आप ले सकते हो, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। और साथ में इसमें लगाई गई आगे फॉग लैंप, ये देखिए आगे लगाई गई इसमें फॉग लैंप जो कि नज़र भी नहीं आ रही है। ये इसका डेविल कलर हो गया जो कि मिलता है आपको रेड कलर का। और इसके बाद आपको दिखाऊंगा, ये देखिए ये हो गया इसका वाइट, ये हो गया येलो, और ये हो गया इसका येलो वाइट। और उसके बाद दिखाऊंगा ये आपका ब्लिंकिंग, ये हो गया ब्लिंकिंग फीचर जो कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके की रोशनी इसके अंदर है। और जो रोड पे निकल रोड प्रेजेंटेशन होने वाली है इसे लगने के बाद, सामने वाला जरूर के भैया क्या बवाल लगा रखा है, छोटा सा पैकेट बड़ा धमाका कहता हूँ इसको, मिनी ड्राइव प्लस डेविल 5 फीचर आई जो कि इसका नाम है जो मैंने बताया आपको, ये हो गया इसका नाम। और अब आपको एक चीज़ और दिखाया था, पहले करता हूँ लाइट ऑफ फिर मैं दिखाता हूँ इसकी जो मेन है इसके अंदर विंग्स जो लगा देंगे एंजल विंग्स वाले, वो दिखाता हूँ आपको लाइट बंद करके। तो देखिए अब हो गया है अंधेरा, अंधेरा कायम नहीं रहना चाहिए लेकिन अंधेरा कर दिया गया है, आपको रोशनी चेकआउट करनी। देखिए ये देखिए इसके लिए क्या है, देखो इधर ये हैं इसके विंग्स जो कि आप देख सकते हो इसके अंदर लगा दिए गए एंजल्स विंग्स, जो कि लुक चेकआउट कर लो क्या ज़बरदस्त आ रही है लगने के बाद। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी इस बाइक है किसी बाइक के अंदर लगा सकते हो, और कलर इसके अंदर बहुत सारे मिल जाते हैं अपने पास, जैसे कि रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, और वाइट तो आपको पता है सबके अंदर ही कॉमन है, अच्छे लगते हैं ये भी। तो लुक चेकआउट कर लो इसकी लाइट बंद होने के बाद भाई साहब, देखो ज़बरदस्त लुक, ये देखो क्या लुकिंग आ रही है भाई साहब पीछे, गजब लुक आ रही है इसकी। लुक चेकआउट करो आगे से पीछे से दाएं बाएं हर तरफ से, इसकी जो लुकिंग है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। अब आपको लाइट ऑन करता हूँ, दिखाता हूँ आपको बाकी चीज़ें इसके अंदर और क्या क्या लगी हुई है, और दिखाता हूँ आपको इसके अंदर देखने में मिलेगा लीवर गार्ड। ये देखिए ये इसके लीवर गार्ड जो कि ग्रे और कार्बन की मैचिंग के लगा दिए, कार्बन टच बहुत ज़्यादा दिया, कार्बन में ज़्यादा अच्छी लग रही है इसलिए भाई, तो ये कार्बन और ग्रे के ऐसी मैचिंग के लगा देंगे लीवर गार्ड। और ये जब भी लगाते हैं तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, कोई जुगाड़ नहीं करते, इसके अंदर बुश होते हैं जो प्रॉपर हैंडल के अंदर लगते हैं, वो बुश इसके अंदर लगा देंगे जिससे कि होता है पूरी तरीके से मजबूत। और साथ में मिलेगी आपको हैंड ग्रिप जो कि रोप वाली मिलती है, ये रोप वाली हैंड ग्रिप है, इससे पसीने नहीं आएंगे आपको और ना ही आपका हैंड ग्रिप खराब होगा, ना ही हाथों में छाले पड़ेंगे। ये वो ग्रिप है दोनों तरफ देखने में, इधर भी सेम उधर भी। और ये लीवर गार्ड है इससे आपके लीवर भी सेफ होते हैं, साथ में आपके हैंड भी होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट, फुली प्रोटेक्शन वाली चीज़ें जो कि इसके अंदर लगाई दी गई है। साथ में मिलता है आपको सिमटेक का मोबाइल होल्डर जो कि ओरिजिनल है, ये सिमटेक ओरिजिनल मोबाइल होल्डर, ये मिलता है आपको वाटर प्रूफ मोबाइल होल्डर है जो आपको मिल जाता है सिमटेक ओरिजिनल। इसकी मिलती है पूरी एक साल की गारंटी, पूरी एक साल की गारंटी मिलती है, जब भी खराब होगा सीधा आप काउंटर पर चेंज करा लिया हैंड टू हैंड। ये इसका हो गया विंग्स, मैंने दिखा दिए विंग लाइट आपको दिखा दी, और अब दिखा दो इसके अंदर, ये देखिए ये इसका शार्फिन मरगाड़ जो लगा दिया गया गाड़ी के अंदर। शार्फिन मरगाड़ का जो यूज़ है, मैं उन लोगों को बताऊँ जिन लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है ना कि शार्फिन ये मरगाड़ लगाते क्यों हैं, ये मरगाड़ लगाते हैं इसलिए क्योंकि इधर आइए
ये देखिए बैक साइड में ना इधर ये आपका मोनोशोकर लगा हुआ अंदर, देख रहे हो मोनोशोकर, ये मोनोशोकर दिख रहा है आपको येलो कलर का, तो ये मोनोशोकर है। ये जब भी अगर नहीं लगा होता जिस बाइक के अंदर, तो यहाँ से डस्ट सारी निकल के जाती है ऊपर और ऊपर से जाती है पीछे उसके अंदर, और वहाँ पर जाकर जम जाती है। और जब जम गई ना वहाँ पर, तो समझ लो एक बार दो बार तो तीन बार पता नहीं लगेगा, लेकिन जब ज़्यादा डस्ट वहाँ जमा हो जाती है ना, तो आपका शॉकर हो जाता है लीक, और शॉकर लीक होने के बाद वो हो गया पूरा डैमेज, और कम से कम 10 से 15 हज़ार का खर्चा आपका उसको आ जाता है। और एक छोटा सा पार्ट है मडगार्ड, इसे आप एज़ यूजल मडगार्ड भी बोल सकते हो इसके आप, रियर मडगार्ड, लेकिन बेसिकली जो नाम है शार्क फिन है, बट शॉर्ट मडगार्ड है। इसे लगाने से आपकी डस्ट वगैरह सारी हो जाएगी पूरी तरह से कंट्रोल, यहीं पर हो जाएगी कंट्रोल। और उसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर, देख सकते हैं बैक साइड में, बैक साइड में कार्बन कलर का लगा देगा इसके अंदर, ये आपका टायर अगर, और ये टायर अगर बहुत ही हैवी क्वालिटी का है जो इसके अंदर लगाया गया है। और फिटमेंट देखो, ये देखिए ये क्लैंप्स, कोई वो वाले क्लैंप जो नॉर्मली कहीं भी टूट के गिर जाते हैं, बहुत ही हैवी क्वालिटी के क्लैंप इसके अंदर यूज़ करे गए हैं, जो कि कहीं भी नहीं जाने वाला। ये देखिए हिल नहीं सकता इसे लगने के बाद, बहुत ही हैवी क्वालिटी का आपका लगा देगा टायर अगर। इससे जो पीछे की डस्ट है वो भी कंट्रोल, आगे की डस्ट वो कंट्रोल, साथ में लुक भी आपकी इनहेंस हो गई है पूरी तरीके से। साथ में कुछ देने में टेल टेडी, ये देख सकते हैं ये टेल टेडी है, R15 ओरिजिनल टेल टेडी है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है, जो कि मिलती है आपको प्रॉपर इसी गाड़ी की। इसमें आपके लगते हैं ओरिजिनल इंडिकेटर, ये इसका ओरिजिनल इंडिकेटर जो इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, और इसमें लगाया गया साथ में हैजार्ड, जो कि इंडिकेटर तो एलईडी वाले होते ही हैं, और हैजार्ड और लगा दिया इसके अंदर। रोशनी इसकी काफ़ी तेज वैसे ही है, हैजार्ड लगने के बाद पैटर्न आप अलग अलग चेंज कर सकते हो, जो आपको डिज़ाइन पसंद है वो डिज़ाइन आप इसका कर सकते हो सेट। और ये जो सिमटेक ओरिजिनल है, इसकी मिलती है आपको पूरी की पूरी 1 साल की गारंटी काउंटर रिप्लेसमेंट, ये आपको मिलता है पूरे 1 साल गारंटी वाला, जो कि लगा देगा इसमें हैजार्ड। साथ में आपको दिखाऊंगा सीट कवर, देख सकते हो ये है इसके सीट कवर जो कि लगा देगा इसके अंदर, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का फुल्ली वाटर प्रूफ आपको मिलता है सीट कवर विद कुशनिंग। जब भी बंदा राइड करता है, राइड करने के बाद समझ लो वो जाता पूरी तरह से हैप्पी, इसलिए क्योंकि हिप्स में दर्द नहीं होता और कहीं भी राइड इजीली कर सकते हैं। साथ में पिलियन रडर को सेव कर दिया, देख सकते हैं ये भी मिलता है आपको कुशनिंग वाला, जो कि आपको मिलता है सेम दोनों इधर भी दोनों तरफ मिलता है कुशनिंग वाला। अब दिखाऊंगा इसके अंदर मेन चीज़ जो कि एक लगा देगा, ये देख सकते हैं बैक साइड में ना इसके अंदर लगा देगा बॉडी लाइट, इसे कहते हैं बॉडी लाइट, जो कि लगा दी गया इंडिकेटर के साथ तो कनेक्ट होती है। इंडिकेटर आपको देखने मिल रहा हो इधर भी, सेम आपको इधर भी, और साथ में ना ब्रेक मारूंगा तो इसका कलर हो जाएगा वाइट। ये देखिए ये हो गया वाइट, देख रहे हो आप ये हो गया वाइट। तो ये बॉडी डीआरएल जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है, जो बॉडी से चिपक के लग जाता है पता भी नहीं लगता कि लाइट लगी भी नहीं लगी है, और अंदर आपकी इजीली इंस्टॉल हो भी चुकी है। और अब सुनाता हूँ आपको एग्जॉस्ट, बहुत सारे एग्जॉस्ट की आपको साउंड सुनाई थी, आपने सुनी सारे एग्जॉस्ट की साउंड जो कि मैंने यहाँ लगा रखे हैं, सबकी एक एक साउंड सुना दी थी। फाइनली भैया ने जो पसंद किया वो किया है ये वाला, जो कि मिलता आपको यशोमोरा का ओरिजिनल कार्बन फिनिश के अंदर। कार्बन इसलिए क्योंकि मैंने बताया कार्बन बहुत कुछ है इसके अंदर, आप फ्रंट से लेके बैक तक कार्बन की भरमार है इसके अंदर, तो वही लगा देगा कार्बन कलर का यशोमोरा, जो कि मिलता है विद डीपी कलर। और ये है फुल सिस्टम बैंड पाइप, देखो बैंड पाइप भी इसके अंदर लगा हुआ पूरा आगे से लेके पीछे, फुल सिस्टम बैंड पाइप प्लस आपका एग्जॉस्ट इसके अंदर लगा दिया गया है। और अब सुनाता हूँ इसकी आपको फाइनली साउंड के कैसी आने वाली है इसकी साउंड, सुनिए। ये देखिए ये है इसके आइडल पर, और अब देता हूँ आपको थ्रोटल, फिर सुनाता हूँ थ्रोटल पर साउंड कैसी आती है। भाई साहब गजब साउंड है, गजब। तो देखो यहाँ पर आकर मेरे हिसाब से तो बाइक हो गया पूरी कंप्लीट ऑल अबाउट। तो देखो इसका लगने का अभी जो बाकी है, बना था ग्रैबरिया लगना बाकी है इसके अंदर, और क्रैश गार्ड वो लगेगा अगले चक्कर के अंदर। फिलहाल अब इसकी तो हो गई मॉडिफिंग कंप्लीट। अब मैं बुलाना चाहूँगा भैया को, जिन भैया की बाइक है उनको हमारा काम कैसा लगा और भैया कैसे आए थे। भैया का थोड़ा कीमती समय ले लेते हैं, वैसे रात के बज चुके हैं 10 और भैया कह रहे हैं अब बस, अब मुझे जाने दो। तो हेलो भैया, तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए, और वैसे तो मैंने बता दिया व्यूअर को आप कहाँ से लेंगे, आप दोबारा रिपीट करेंगे अपने मुझसे अच्छा लगेगा कहाँ से हैं। मेरा नाम सौरभ चौधरी है, मैं बड़ौद से आया हूँ, बड़ौद बागपत यूपी से। और भैया ने जैसे काम का वादा किया था, काम काफ़ी अच्छा हो चुका है गाड़ी में, और बहुत ही मिनिमम प्राइस में। ऐसा नहीं है कि जैसे हम और भी दुकान पर यहाँ पर शॉप पर गए थे, सब ने जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रेट बताए, मगर भैया के पास आए तो मिनिमम रेट मिले, और जितना हो सके भैया ने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट भी किया, और काम भी काफ़ी अच्छा किया है भैया ने। ऑल अबाउट सेटिस्फाइड हैं आप? बिल्कुल। अगर कोई आना चाहे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, और हम ये कहना चाहेंगे कि भैया के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यहाँ पे अपनी बाइक का काम करवाएं, क्योंकि यहाँ से अच्छा काम पूरी मार्केट में कहीं भी नहीं होता। उसका भी एक कारण है क्योंकि हम हैं एक्सपीरियंस होल्डर, जैसे कि भैया आप बताएंगे छोटी सी जो मैंने अभी आपके शेयर की बताएंगे आप। यहाँ पे अभी बाइक में पीछे की तरफ जैसे काम किया हुआ था, तो भैया को हमें भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई थी काम करते हुए, जैसे यहाँ पे मैकेनिक थे काम कर रहे थे, वो चीज़ भी भैया को अलग से ही दिखाई थी, और वो चीज़ खुद भैया ने अपने आप ठीक करके दी। मैं समझा दूँगा, ये देखिए ना ये
ये पहले हिल रहा था, तो लोग क्या करते हैं, मैंने क्लैंप पत्ती लगाए थे हल्की फुल्की जो हिलते रहते हैं हमारे लड़कों ने, हालांकि पत्ती तो ऐसी जो यूज़ करी थी, बट वो फिर भी मुझे लगा कि ये हिल रहा था, तो मुझे डाउट था, मेरे को डाउट क्लियर करने में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि 25 साल का एक्सपीरियंस था। अगर मेरा एक्सपीरियंस कस्टमर का काम ना तो बेकार है काम करना। तो मैंने इसके अंदर डबल पत्ती हैवी क्वालिटी वाली इसके अंदर लगाई है, जो मिलती है वो पैनियर वाली वो इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, जिससे अब ये हो गया पूरी तरीके से मजबूत, अब ये कहीं जाने वाला नहीं है, ना ही टूटेगा ना ही ख़राब होगा। तो ये होता है एक्सपीरियंस, 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैं हमेशा बताता हूँ। 3 साल हो गए करोलबाग के अंदर, 3 साल से मैं कर रहा हूँ करोलबाग के अंदर आप जैसे भाइयों की सेवा, तो सेवा का मौका ज़रूर दें मुझे। जब भी आपको आना है, आना कहाँ पर है, आपको आना है राजू भाई की शॉप पर जो कि मिलते हैं दिल्ली के करोलबाग नए वलान पर, हनुमान जी मूर्ति का जहाँ ध्यान देने, जो हनुमान जी की मेन मूर्ति है वो, और फिर उसके बाद जैसे आप मार्केट में एंटर मारते हैं ना तो एंटर होते एक और हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी, वो मिलेगी मेरी शॉप के बोर्ड पर, मेरी शॉप के बोर्ड मिलेगी जो कि मिलता है SKD के नाम से, और आपको साथ में हनुमान जी की मूर्ति पहले दिखेगी फिर नाम लिखोगे SKD, और राजू भाई की शॉप है आपके अपने राजू भाई की, जब भी आना हो बेफिक्र होकर कॉल करें, व्हाट्सअप करें, जो भी करना हो करें, आपका भाई आपका हमेशा रिप्लाई ज़रूर देता है, चाहे वो कॉल पर हो, व्हाट्सअप पर हो, या फिर हो आपका इंस्टाग्राम पर। तो मेरा पर्सनल नंबर भी स्क्रीन पर शो हो रहा है, शॉप का नंबर भी आपको मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन पूरा एड्रेस लोकेशन सब डली हुई है, चाहो तो आप लोकेशन अंदर से निकाल सकते हो, वरना आप मुझे कॉल करके मुझसे लोकेशन मंगा सकते हो। तो वीडियो चले, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। राजू भाई SKD को जो कि मिलती है आपको यूट्यूब पर भी, सेम मिलता है आपको इंस्टाग्राम पर भी, तो कहीं भी आपने देखना हो राजू भाई को जरूर देख ले। तो वीडियो चले, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना राजू भाई SKD को। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।